हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नई रेसिपी बनाएंगे जो कि बहुत ही जल्दी बन जाती है और ये स्नैक बहुत ही टेस्टी होता है। ये काजू से बनता है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैंने काजू ले लिया है 100 ग्राम और मैंने ये साबुत काजू लिए हैं। इसको हम बाद में दो दो टुकड़े में कर देंगे। और हमने बेसन भी ले लिया है 100 ग्राम। नमक भी ले लेंगे, मिर्ची भी ले लेंगे, हल्दी और काली मिर्च स्वाद देने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा काजू को दो हिस्सों में अलग करना। आप चाहे तो कितने भी, आपको जितना बनाना है उतने काजू ले सकते हैं। मैंने 100 ग्राम लिया, उनको अलग कर दिया। अब इसमें हम 3 चम्मच बेसन डाल देंगे, इसको मिला लेंगे और फिर नमक, हल्दी, मिर्ची और काली मिर्च इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम पानी डाल के उसका मिक्सचर बना लिया था, उसको हम फ्राई करेंगे। मैंने इसे चम्मच से इसलिए डाला है क्योंकि फिर हाथ से भी डालने पर आप डाल सकते हैं लेकिन हाथ आपके गंदे हो जाएंगे। इसे हमें धीमी फ्लेम पे फ्राई करना है कि हमारे अंदर के काजू भी क्रिस्पी हो जाए। और इसे हमें याद रखिएगा, धीमी आंच पे ही फ्राई करना है कि हमारे बाहर के बेसन भी क्रिस्पी हो जाए और हमारे काजू जल ना जाए। इसलिए हम इसे तेज आंच पे नहीं करेंगे, धीमी आंच पे ही करेंगे फ्राई। और हमारे काजू हमें जब तक फ्राई करने हैं जबकि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। अब हमारे काजू रेडी है, इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड, ये हमारा, देखिए किस तरह, देखिए ये, देखिए देखिए हमारा काजू किस तरह बनकर रेडी है।